हाई एवरीवन, दिस इज़ अंकुश। वेलकम टू द माई चैनल जिसका नाम है एम्पावर ऑफ ई। ओके, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैव टू डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो चैप्टर ऑलरेडी एंड हो चुका था। तो आज हम सिर्फ उसके रिवीजन के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, जिसके मैंने आपको बताया था, अगर मैं इसके बेसिक्स की बात कर रहा हूँ, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड, द फर्स्ट कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रिक करंट एंड द सेकंड कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट। एक तो चीज़ क्लियर है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक या करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, अगर किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उस बॉडी में आपको तीन टाइप के चेंजेस देखने को मिलेंगे। द फर्स्ट कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक इफेक्ट, द सेकंड कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, एंड द थर्ड कॉल्ड एज अ केमिकल इफेक्ट। ओके, तो अभी जो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होगा वही होगा कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी बॉडी में से या किसी कंडक्टिंग मेटल में से पास होता है तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को क्या मिलेगा। ओके, तो उसका बेसिक्स पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस क्लियर करना चाहता हूँ। द फर्स्ट डेफिनेशन कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक फील्ड। एक चीज़ तो क्लियर है, अगर किसी भी मैग्नेट या करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग कंडक्टर के साइड में जो भी एक इमेजनरी पाथ बनता है ना, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। जो इमेजनरी पाथ कभी भी डॉटेड लाइन से शो किया जाता है, और विच इज़ ऑलवेज ट्रेवलिंग थ्रू द एयर अराउंड द मैग्नेट, विच इज़ फ्रॉम यन पोल टू द यस पोल। अगर मैं नेक्स्ट टाइम इमेजनेटिक फील्ड की बात कर रहा हूँ तो आपको एक ही वर्ड याद रखना, इट इज़ कॉल्ड एज इमेजनरी लाइन्स ऑफ फोर्सेज विच आर इंड्यूस्ड अराउंड द मैग्नेट और द करंट कैरिंग ऑब्जेक्ट एंड विच इज़ ट्रेवलिंग फ्रॉम द यन पोल टू द यस पोल। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की काउंटिंग की बात कर रहा हूँ, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना है तो मेजर करने के लिए दूसरी एक क्वांटिटी कंसिडर की जाती है जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफरेंस क्या है? अगर मैं सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड की बात कर रहा हूँ तो एक लाइन को आप इमेजिन कर सकते हो, पर अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का सम स्पेसिफिक एरिया है लुक लाइक दिस, अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एक स्पेसिफिक एरिया से ट्रैवल करते हैं इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो फाइ से शो किया जाता है और जिसका स्ट्रांगेस्ट यूनिट है वेबर। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होती है कि मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी बनाई गई उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस और द ग्रुप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच हैविंग अ सम स्पेसिफिक एरिया विच इज़ डिवाइडेड बाय फाइ एंड नॉर्मली मेजर किया जाता है वेबर से, जिसको डब्ल्यू बी से शो किया जाता है। ओके, पर अगर मैं उसी मैग्नेटिक फ्लक्स को स्पेसिफिक एरिया से डिवाइड करता हूँ तो एक नई डेफिनेशन आपके सामने आती है, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। समटाइम्स रेफरेंस बुक में इसको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी कहा गया है और ओनली मैग्नेटिक फील्ड भी कहा गया है, और समटाइम्स इसको आप मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह सकते हो। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कैसे शो की जाती है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है वो बी बार से शो की जाती है। क्यों? क्योंकि इसको स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ इसको कंपेयर किया जाता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी डेफिनेशन क्या है? बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स को उठाना है और उसको डिवाइड करना है विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक एरिया से। तो यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। तो यह हो गया उसका ओरिजिनल फार्मूला। अगर मैं इसके यूनिट की बात करता हूँ, द फ्लक्स इज मेजर्ड इन वेबर एंड द एरिया इज मेजर्ड इन मीटर स्क्वेयर। तो इसका जो यूनिट होगा, तो आपको यहाँ पे एक रिमेम्बराइज करनी है टर्म, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के रिगार्डिंग, तो आपको यहाँ पे एक फंडा याद रखना है, जो बी बार होता है ना उसको अलग अलग तीन यूनिट से रिकॉग्नाइज किया जाता है। जो पहला यूनिट मैं वहाँ पे लिखूँगा वो होगा वेबर पर मीटर स्क्वेयर, जो दूसरा यूनिट है वो होगा टेस्ला, और समटाइम इसको गॉस से भी मेजर किया जाता है। ओके, तो आपको यहाँ पे याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज डिनोटेड बाय बी बार, विच इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, एंड इसको मेजर किया जाता है वेबर पर मीटर स्क्वायर में या गॉस में या टेस्ला में। ओके, नाउ माय नेक्स्ट टर्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। कॉमन सेंस की बात है, अगर मेरे पास एक कोई भी एक कॉपर कंडक्टर है, अगर मैं उस कॉपर कंडक्टर को एसी या डीसी सोर्स के अक्रॉस कनेक्ट करता हूँ, तो फैराडेज हमें क्या बताता है या ओरिस्टेड हमें क्या बताता है, किसी भी कंडक्टर के साइड में से अगर इलेक्ट्रिक करंट उसमें से ट्रैवल होता है तो उसके साइड में जो भी इमेजनरी लाइंस बनती है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड रोटेट होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड करता है राइट हैंड थंब रूल के अनुसार। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता हूँ तो इट प्रोड्यूसेस सम अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जैसे आप इमेजिन कर सकते हो कि इस कंडक्टर में अगर 2 एम्पियर करंट पास होता है तो इसका एरिया इतना बनेगा। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ाता हूँ। सपोज़ अगर मैं इसी कंडक्टर में से 5 एम्पियर का करंट पास करता हूँ तो यहाँ पे उसका सर्कल का रेडियस बनेगा। इससे एक चीज़ क्या क्लियर होती है, जैसे आप करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ाते जाओगे वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया होगा ना वो बढ़ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे करंट कम करते हो तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का एरिया जो होगा कम होगा। इससे एक चीज़ क्या क्लियर होती है, वट एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट ऑल्सो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वट एवर द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द एनी कॉइल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्लक्स। इसका मतलब आप जितना भी यहाँ पे कंडक्टर का एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे या करंट का एम्पलीट्यूड बढ़ाओगे उतना आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। ओके, तो ये हो गया सम अमाउंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। नाउ द नेक्स्ट वीड इज़ नथिंग बट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट। आपने 11th में मैग्नेट चैप्टर में पढ़ा ही होगा, एक मैग्नीशिया की कंट्री थी जिसमें एक ऐसा स्टोन मिला जिस स्टोन को फर्स्ट टाइम लोड स्टोन कहा गया। आई सेड लोड स्टोन, बट आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ सम ईयर्स एंड सम कॉन्ट्रोवर्सीज उसे नाउडेज कहा जाता है ओनली अ मैग्नेट। ओके, मैग्नेट की प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है, मैग्नेट इज अ सच काइंड ऑफ अ सब्सटेंस विच आर नॉर्मली यूज टू अट्रैक्ट द मेटल और आयन पार्टिकल टूवर्ड्स इट। अगर कोई मेटल या कोई आयन अगर उसके तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसे हम मैग्नेट कहते हैं। अगर मैं मैग्नेट के क्लासिफिकेशंस की बात करता हूँ तो मैग्नेट, दो टाइप्स के मैग्नेट हमारे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है। द फर्स्ट कॉल्ड एज अ परमानेंट मैग्नेट, और जो मैग्नेट हमने बनाया सेकंड कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो एक चीज़ तो क्लियर है, जो मैग्नेट नेचर ने हमें दिया है उसे मैं परमानेंट मैग्नेट कहूँगा, जो मैग्नेट हमने बनाया जिसे मैं आर्टिफिशियल मैग्नेट कह सकता हूँ कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट आपको सबको बताइए, परमानेंट मैग्नेट इज नथिंग बट अ सच काइंड ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जिसके ऊपर दो पोल होता है एन एंड एस पोल एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एन पोल टू द एस पोल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना वो हर बार रिमेन्स कॉन्स्टेंट होती है। इसका मतलब परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पर अगर मैं उसके अपोजिट प्रॉपर्टी की बात करता हूँ तो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। जिसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको तीन कंपोनेंट की ज़रूरत गिरेगी। द फर्स्ट कॉल्ड एज सॉफ्ट आयन कोर, द सेकंड कॉल्ड एज अ कॉइल और वाइंडिंग एंड द थर्ड कॉल्ड एज अ सोर्स। आप एसी सोर्स यूज़ करो या डीसी सोर्स, दोनों का मीनिंग सेम ही है। ठीक है, अगर आप जैसे ही कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो इट प्रोड्यूसेस सम अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एन पोल टू एस पोल। पर यहाँ पे एक चीज़ हम वेरी कर सकते हैं, वो है फ्लक्स। अगर मुझे फ्लक्स बढ़ाना है तो आप करंट भी बढ़ाइए, अगर मुझे यहाँ पे फ्लक्स कम करना है तो करंट कम कीजिए। तो आपको इन दोनों में एक चीज़ रिमेम्बराइज करनी है, अगर मेरा क्राइटेरिया ऐसा है कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल चाहिए तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कर सकते हो, अगर मेरा क्राइटेरिया ऐसा है कि मुझे मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट चाहिए तो आप वहाँ पर परमानेंट मैग्नेट का यूज़ कर सकते हो। अगर मैं दोनों के एप्लीकेशंस की बात करता हूँ, बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं या जो बच्चों के टॉयज़ होते हैं ना जिसमें डीसी मोटर यूज़ होते हैं उसमें परमानेंट मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। अगर मैं इलेक्ट्रोमैग्नेट के स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस की बात करता हूँ तो हमारे पास तीन स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस है, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर। जैसे अगर मैं ट्रांसफार्मर, मोटर और जनरेटर की बात कर रहा हूँ तो ये जो तीनों भी फंक्शंस है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से बिलोंग करते हैं। ओके, नाउ वी मूव टूवर्ड द नेक्स्ट बिट जिसका नाम है राइट हैंड थंब रूल। जैसे आप स्क्रीन पे एक डायग्राम देख सकते हो, सबसे तो पहले मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ राइट हैंड थंब रूल कहाँ पे यूज़ किया जाता है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपको करंट की डायरेक्शन पता है, दैट मीन्स वी नो द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर मुझे करंट की डायरेक्शन पता है, अगर मुझे उसी टाइम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिटेक्ट करनी है या आइडेंटिफाई करनी है तो वहाँ पे मैं राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करके वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चेक कर सकता हूँ वेदर इट शुड बी रोटेड इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। ओके, इसका सिंपल फॉर्मेशन कैसा है, अगर मेरे राइट हैंड के पहले चार फिंगर्स को मैं ऐसे कर्ल करता हूँ, जो आउटस्ट्रेचेड थंब होता है ना वो शो करता है इलेक्ट्रिक करंट एंड द कर्ली फिंगर शो जो होते हैं वो कर्ली फिंगर शो करते हैं यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, मैं वन सेकेंड इसकी स्टेटमेंट रिपीट करता हूँ। फर्स्ट फोर फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड आर कर्ल्ड इन अ सच ए वे दैट द कर्ली फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड आउटस्ट्रेच्ड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अगर मैं नेक्स्ट बिट की बात करता हूँ तो उसे कहा जाता है राइट हैंड ग्रिपिंग रूल। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि यार थंब रूल और ग्रिपिंग रूल का जो डायग्राम है वो तो सेम है, तो डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैं डिफरेंस क्लियर करता हूँ।
अगर कंडक्टर में कोई करंट स्ट्रेट फॉर्मेशन में जाता है, आई सेड स्ट्रेट फॉर्मेशन में, तो वहाँ पे आपको थंब रूल यूज़ करना है। पर अगर उसी कंडक्टर में करंट या कॉइल में करंट कर्ली फॉर्म में जाता है तो वहाँ पे ग्रिपिंग रूल यूज़ किया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर जो थंब था ना वो करंट शो करता है, पर नीचे जो ये जो कर्ली फिंगर्स होते हैं ना वो शो करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो आउटस्ट्रेचर्ड जो थंब होता है वो शो करता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको कंडक्टर के भी स्ट्रेट दिखता है तो आपको वहाँ पे थंब रूल यूज़ करना है, पर अगर आपको समटाइम्स कॉइल या नंबर ऑफ टर्न्स दिखते हैं तो वहाँ पे राइट हैंड ग्रिपिंग रूल यूज़ करना है। दोनों का प्रेजेंटेशन सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, थंब रूल में जो थंब होता है वो करंट शो करता है, पर ग्रिपिंग रूल में जो ग्रिपिंग फिंगर्स होते हैं वो करंट शो करते हैं। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिट ऑफ दिस चैप्टर, जो आपको काम में आएगा JEE या नीट में, किसी भी MCQ में आप इसको यूज़ कर सकते हो, टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स और द मोशन ऑफ द कंडक्टर। अगर मैं फ्लेमिंग्स की बात करता हूँ तो फ्लेमिंग्स के दो अलग अलग रूल्स हैं, द फर्स्ट कॉल्ड एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द सेकंड कॉल्ड एज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ओके, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को अभी भी कन्फ्यूजन है कि यार ये लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे यूज़ करना है और राइट हैंड रूल कहाँ पे यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। ये जो लेफ्ट हैंड रूल होता है ना वो मोटर में यूज़ किया जाता है, और जो राइट हैंड रूल होता है वो जनरेटर में यूज़ किया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मोटर हो गया जनरेटर हो गया तो ट्रांसफार्मर में क्या यूज़ करना है, ट्रांसफार्मर में फ्लेमिंग्स की रूल की यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर आप ग्रिपिंग रूल का यूज़ कर ईजिली कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं मोटर की बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ क्लियर है, वी हैव टू यूज़ द लेफ्ट हैंड रूल। अगर मैं जनरेटर की बात कर रहा हूँ तो एक चीज़ क्लियर है, वहाँ पे यूज़ करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं मोटर की बात कर रहा हूँ तो मोटर को जो इनपुट होता है ना उसे इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है, और जो आउटपुट होता है ना उसे मैकेनिकल फोर्स कहा जाता है। सिमिलरली जनरेटर का जो इनपुट होता है ना उसे मोशन ऑफ द कंडक्टर कहा जाता है, और जो आपका आउटपुट होता है ना उसे कहा जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ नथिंग बट करंट। करंट को समटाइम्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ कंपेयर किया जा सकता है। फाइन, ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो मेरे लेफ्ट हैंड के मुझे पहले तीन फिंगर्स ऐसे स्ट्रेच करने या ऐसे एक्सपांड करने हैं। इसमें जो फर्स्ट फिंगर होता है ना, जो फर्स्ट फिंगर होता है वो शो करेगा द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मिडल फिंगर होता है वो शो करेगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, एंड फाइनली थंब शो करेगा द डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, जो आपका आउटपुट होगा ना वो आउटपुट के फिंगर को आपको सबसे लास्ट में रखना है। तो जिसके आप डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट थ्री फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट हैंड आर एक्सपांड इन अ सच ए वे दैट ईच फिंगर आर परपेंडिकुलर विथ रिमेनिंग टू फिंगर्स, इन विच द फर्स्ट फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, एंड द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैकेनिकल फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर। सिमिलरली अगर मैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की बात करता हूँ तो दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या होगा, जो आपका आउटपुट होगा ना उसके फिंगर का नोटिफिकेशन आपको सबसे लास्ट में लेके आना है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, फर्स्ट थ्री फिंगर जो हमारे राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेट करने हैं कि ईच फिंगर बाकी दो फिंगर के साथ 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करने चाहिए, इन विच जो हमारा पहला फिंगर होगा ना वो अगेन सेम शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा थंब है वो शो करेगा द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर। दैट मीन्स वो जो रोटेट होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, और सबसे लास्ट में द मिडल फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर और द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। ओके, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हो जो जनरेटर का आउटपुट है ना वो है करंट और EMF, इसलिए मैंने मिडल फिंगर यहाँ को लेफ्ट साइड में लिया है। तो ये हो गया सम अमाउंट ऑफ डीप ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड देम, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बिट बिलोंग्स टू दिस चैप्टर कॉल्ड एज अ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली देखा जाए ना तो फैराडेज लॉ के दो अलग अलग पार्ट्स है, द फर्स्ट कॉल्ड एज फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड कॉल्ड एज फैराडेज सेकंड लॉ।
जस्ट इमेजिन कीजिए, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दो चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, द फर्स्ट कॉल्ड एज अ कॉपर कॉइल एंड सेकंड कॉल्ड एज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसके आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सपोज मेरे पास दो परमानेंट मैग्नेट है, एन पोल एंड एस पोल, दोनों के बीच में जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है विच इज़ ऑलवेज ट्रेवलिंग फ्रॉम एन पोल टू द एस पोल। जस्ट इमेजिन कीजिए, अगर मैं इस दो परमानेंट मैग्नेट के बीच में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस करता हूँ, जस्ट इमेजिन कीजिए इसमें जो करंट ट्रैवल हो रहा है वो ट्रैवल हो रहा है फ्रॉम आउटसाइड टू द इनसाइड। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ में क्या कहता है, अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को लिंक करता है या उसको कट करता है, देन इट प्रोड्यूसेस सम अमाउंट ऑफ फोर्स कॉल्ड एज अ मैकेनिकल फोर्स, और उसमें एक ऐसा मैकेनिकल फोर्स एक्ट होगा जो मैकेनिकल फोर्स उस कंडक्टर को डिफ्लेक्ट करेगा और कंडक्टर की पोजीशन चेंज करेगा इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वंस अगेन मैं फैराडे का फर्स्ट लॉ यहाँ पे क्लियर करता हूँ, व्हेन एवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर और अ करंट कैरिंग कॉइल इज लिंक्स विथ अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट प्रोड्यूसेस अ मैकेनिकल फोर्स। पर मैक्सिमम टाइम बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि अरे मैकेनिकल फोर्स जो होता है वो किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करेगा। ये जो मैकेनिकल फोर्स का जो फंडा है ना, उसके बारे में हमें बताया है लोरेंट्स प्रिंसिपल ने। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो मैकेनिकल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसका एक्सप्रेशन या उसका फार्मूला जो हमें बताया वो बताया लोरेंट्स प्रिंसिपल ने। लोरेंट्स प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, वट एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिकल फोर्स इंड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा, जिसको रिमेम्बराइज करने के लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया जिसे कहते हैं बिल्स। ओके, बिल्स इज नथिंग बट बी इंटू आई इंटू एल इंटू साइन ऑफ थीटा। ये जो थीटा होता है ना, थीटा इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, वट एवर द मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिकल फोर्स इज डिपेंड्स ऑन डिफरेंट फोर थिंग्स, द फर्स्ट कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, सेकंड कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट, थर्ड कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड फोर्थ कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बी एल एंड जो थीटा है ना वो कॉन्स्टेंट होते हैं, तो बचा क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आई। दैट मीन्स आप जितना भी करंट बढ़ाओगे उतना मैकेनिकल फोर्स बढ़ेगा, जितना भी करंट कम करोगे उतना मैकेनिकल फोर्स यहाँ पे कम होगा। ओके, नाउ वी मूव टूवर्ड द वन ऑफ द स्मॉल पैरामीटर ऑफ दिस चैप्टर जिसका नाम है परमिबिलिटी। अभी भी बहुत सारे बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि परमिबिलिटी का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। तो परमिबिलिटी क्या होता है, परमिबिलिटी इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ मीडियम विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये परमिबिलिटी नाम का फंडा सिर्फ मीडियम के लिए यूज़ होता है, वो मीडियम एयर भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है या कोई सब्सटेंस भी हो सकता है। अगर मेरे पास ऐसा मीडियम है जिस मीडियम की मैं एबिलिटी कंसिडर करता हूँ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल करने के लिए, तो उसको कहा जाता है परमिबिलिटी। ओके, तो परमिबिलिटी इज़ नथिंग बट मीडियम की ऐसी एबिलिटी जो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कैरी करेगा उसे मैं परमिबिलिटी कहूँगा। ये जो परमिबिलिटी होता है ना उसे शो किया जाता है म्यू से। मेरे हिसाब से परमिबिलिटी दो टाइप्स के होते हैं, द फर्स्ट कॉल्ड एज अ म्यू जीरो एंड सेकंड कॉल्ड एज अ म्यू आर। म्यू जीरो इज नथिंग बट परमिबिलिटी फॉर अ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस हमारे पास दो टाइप्स के, द फर्स्ट कॉल्ड एज अ एयर एंड सेकंड कॉल्ड एज अ वैक्यूम। और जो म्यू आर होता है ना उसे कहा जाता है रिलेटिव परमिबिलिटी। रिलेटिव परमिबिलिटी का मतलब क्या, वहाँ पे कुछ ना कुछ मीडियम अवेलेबल होगा। ओके, तो ये जो एयर और वैक्यूम की परमिबिलिटी होती है ना, विच इज़ ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट, जिसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 4π × 10⁻⁷, जिसको मेजर किया जाता है हेनरी पर मीटर में। पर अगर मैं म्यू आर या रिलेटिव परमिबिलिटी की बात करता हूँ, तो रिलेटिव परमिबिलिटी मे बी 1 होती है, किसके लिए, एयर के लिए। इट शुड बी अगेन 1 किसके लिए, वैक्यूम के लिए। बट रिलेटिव परमिबिलिटी इज़ मोर देन 1 किसके लिए, अपार्ट फ्रॉम एयर और वैक्यूम। दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ मीडियम अवेलेबल होगा। जिसके मैं यहाँ पे एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ, जस्ट इमेजिन कीजिए अगर मेरे पास कास्ट स्टील है, ऐसा स्टील जो मैं मोटर में लिए यूज़ करूँगा, तो उसकी परमिबिलिटी जो होती है ना वो 1 से ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि मोटर में, जनरेटर में या ट्रांसफार्मर में जो भी कोर यूज़ किया जाता है उसमें से मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवल होती है, इसलिए उसकी रिलेटिव परमिबिलिटी ग्रेटर देन 1 कंसिडर की जाती है।
ओके। तो ये हो गया फंडा रिगार्डिंग परमिबिलिटी।